योजना के चरण और एनवायरनमेंट क्रिएशन। अपने क्षेत्र के विकास के लिए पंचायतें कई तरह के कार्य करती हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए बेहतर योजना और अच्छी तैयारी की जरूरत होती है। पंचायतों को पहले ही ये तय करना पड़ता है कि कौन सा काम कब, कहां, कैसे, क्यों, किसे और किसके लिए करना है। आसान भाषा में कहें तो पंचायतों को समय समय पर विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनानी पड़ती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी योजना को बनाने के चरण क्या हैं और पंचायतों के विकास के लिए एनवायरनमेंट क्रिएशन क्यों जरूरी है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि योजना बनाने से पंचायतों को क्या लाभ होता है। योजना बनाने से पंचायतों को लाभ। किसी भी अन्य संस्था, संगठन या समूह की तरह पंचायतों को भी हर स्तर पर प्रभावी योजना बनाने की जरूरत पड़ती है। इसके कई लाभ हैं, जैसे योजना पंचायतों को बेहतर दिशा प्रदान करती है। योजना से संसाधनों का उचित उपयोग होता है। योजना से स्थानीय परेशानियां दूर होती हैं। योजना पंचायत बजट को बनाने में सहायक है। योजना सामाजिक और आर्थिक समानता लाती है। बेहतर योजना से पंचायत स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होता है। योजना बनाने के चरण। हमारे आसपास के वातावरण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से बदलता रहता है, इसलिए ये जरूरी है कि समय समय पर क्षेत्र के विकास के लिए प्रभावशाली योजनाएं बनाई जाती रहें। हालांकि भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों को आधार मानकर ही भविष्य की रूपरेखा योजनाओं द्वारा तैयार की जा सकती है। योजनाओं को बनाते समय कुछ चरणों का पालन हमें जरूर करना चाहिए, जैसे उद्देश्यों की स्थापना करें, विकल्पों की सूची बनाएं, विकल्पों की तुलना करें, सही विकल्प का चयन करें, योजना पर अमल करें। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। उद्देश्यों की स्थापना। योजना पूरी तरह से उद्देश्यों पर आधारित होती है, इसलिए सबसे पहले इस बात का पता करें कि आपके पंचायत क्षेत्र के उद्देश्य क्या हैं। इसके लिए समस्याओं को परिभाषित करें। समस्याओं को परिभाषित करने के बाद पंचायत को अपने उद्देश्यों व लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण करना चाहिए। विकल्पों की सूची। उद्देश्य स्थापित करने के बाद विकास कार्यों के लिए विकल्पों की सूची बनाएं। एक ही काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। आप तय करें कि सबसे अच्छे तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। विकल्पों की सूची तैयार करते समय प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष का विचार करना जरूरी है। विकल्पों की तुलना। सभी विकल्पों की सूची बनाने के बाद सभी विकल्पों की तुलना भी की जानी चाहिए। प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष को देखते हुए ये तय किया जाता है कि कौन सा विकल्प पंचायत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक है। सही विकल्प का चयन। सभी विकल्पों की तुलना करने के बाद आप सही विकल्प को चुनें। एक अच्छा विकल्प वही है जिससे कोई काम सरल से हो जाए। सही विकल्प किफायती और कार्यों को प्रभावी तरह से करने में सहायक होते हैं। इस बात पर ध्यान दें कि कौन सा विकल्प पंचायत को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है। योजना पर अमल करें। आपने जिस भी विकल्प का चयन किया है उसका जमीनी स्तर पर पालन होना चाहिए।
ध्यान रहे कि योजना को अमल में लाने के बाद समय समय पर निगरानी और नियंत्रण आवश्यक है। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतें एनवायरनमेंट क्रिएशन की योजना भी बनाती हैं। एनवायरनमेंट क्रिएशन के तहत पंचायत प्रतिनिधि आपसी सहयोग से किसी मुद्दे को उठाते हैं, उस पर विचार करते हैं और उसका हल निकालते हैं। इन सभी कार्यों को करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे सभी लोगों को पत्र लिखकर ग्राम पंचायत विकास योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, लाउड स्पीकर पर घोषणा करके जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है, स्थानीय लोक नाटकों लोक कलाओं का उपयोग किया जाता है, बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों को जरूरी जानकारी दी जाती है, स्वयं सहायता समूहों की सहायता से अभियान चलाए जाते हैं, जन समूहों को पत्र लिखा जाता है ताकि वो योजनाओं के विभिन्न चरणों में अपना योगदान दे सकें, विकास के पंख फैलाएंगे, अच्छी योजना बनाएंगे, गीत खुशियों के गाएंगे।